एंटी रोमियो प्रभारी प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में महानगर की शेरी दस्ता व एंटी रोमियो टीम ने नौकायन से काली मंदिर तक मार्च किया, जिसके संबंध में एंटी रोमियो प्रशाली गंगवार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर नगर क्षेत्र के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम व शेरी दस्ता टीम के साथ नौकायन से काली मंदिर तक मार्च किया गया। उन्होंने कहा, नौकायन पर महिलाओं को एंटी रोमियो के बारे में जानकारी दी गई कि किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे या नौकायन ड्यूटी पर लगी एंटी रोमियो टीम को सूचना दे, और उसके बाद काली मंदिर दर्शन करने आई महिलाओं को भी शेरनी दस्ता एंटी रोमियो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को उनकी सुरक्षा के बारे में बताया गया व पुलिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दे। उन्होंने कहा कि चैत्र रामनवमी को देखते हुए सभी मंदिरों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे कि कोई भी अराजक तत्व किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार ना कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एंटी रोमियो प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस प्रशाली गंगवार ने कहा, सुबह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र के जितने भी थाने हैं उसकी एंटी रोमियो टीम और शेरनी दस्ता टीम, जिसको महिला सुरक्षा दल कहा जा रहा है, उनके द्वारा नौकायन से काली मंदिर तक मार्च किया गया था। नौकायन पे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया गया था और काली मंदिर पर भी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया गया था। उनको उनकी सुरक्षा के बारे में बताया गया, महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया, और जिसको जो भी कोई समस्या है वो एंटी रोमियो टीम या महिला सुरक्षा दल के जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पर उनको संपर्क करके उनकी समस्या का निस्तारण करवा सकते हैं। मैम, देखा जाए नवरात्र चला, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है महिलाओं को, इसके लिए किस तरह के काम करेगी एंटी रोमियो टीम? इसके लिए विभिन्न जो मंदिर हैं उन सब में जो थानों से संबंधित एंटी रोमियो टीम है वो जाके वहाँ के जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो परेशान कर रहे हैं महिलाओं को, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको समझाएंगे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पे कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।